लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वहाँ पर देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हम वहाँ पर देख रहे हैं, और इंतज़ार हो रहा है कि कब जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जब वो आएंगी, और आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री सांसद भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद परिसर से। आज का दिन के बहुत अहम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं संसद परिसर, आज इस कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तो सभी गणमान्य व्यक्ति अतिथि वहाँ मौजूद, और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतज़ार हो रहा है जब महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर संसद परिसर में एक भव्य आयोजन किया गया है, जहाँ सभी लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, सांसद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम जनक मानते हैं संविधान का, जिन्हें माना जाता है एक ऐसा दूरदर्शी जिसने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें सभी समानता के साथ आगे बढ़ें, आर्थिक प्रगति बिना समावेशी समाज के बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, वो इस विचार से भली भांति परिचित थे, और शिक्षा का जो अभाव है उससे कैसे पार पाना है वो इस बात को भी समझते थे, इसलिए शिक्षित होना, साक्षर होना, इस बात पर वो हमेशा पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहे। अस्पृश्यता जिसका दंश उन्होंने झेला, उन्होंने यही कोशिश की कि इस तरह के माहौल से ऊपर उठकर लोग आर्थिक विकास की ओर बढ़े। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि क्योंकि हम शिक्षा पर बात कर रहे थे और इस बात को बाबा साहब बचपन में ही समझ गए थे कि शिक्षा के अभाव में समावेशी विकास की कल्पना और ऐसे समाज की संरचना करना मुमकिन नहीं है, इसलिए शिक्षा और साक्षर होना बेहद ज़रूरी है। देखिए बाबा साहब का जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया को यही है कि शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है, और उन्होंने नारा भी दिया था कि शिक्षा वो पूर्वी का दूध है, वो पिएगा वो सहारेगा, यानी कि उन्हें पता था कि शिक्षा के माध्यम से। नीचे आकर वापस आएंगे आपके पास। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि संसद परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण से दिवस से जुड़ा ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर संत समाज भी मौजूद है, इनफैक्ट बौद्ध धर्म के अनुयायी आज उन्हें याद करने के लिए मौजूद हैं, और जिस सामाजिक समरसता का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इसी सामाजिक समरसता की नींव से ही आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। भावना, बिल्कुल सही कहा आपने आंचल, और आज पूरा जो भारत है कृतज्ञ राष्ट्र है वो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बड़े समाज सुधारक तो थे ही, एक विद्वानी थे, एक राजनेता थे, और उनको संविधान का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को ख़त्म करने के लिए और गरीबों, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफ़ी सदाचारी थे। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप देने वाले थे, जो वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की हितों की आवाज़ थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी चिरस्थायी हैं। और संसद का ये परिसर देखिए, संसद यानी लोकतंत्र का वो मंदिर जो हमारी लोकतंत्र की आस्था गरिमा का सबसे बड़ा परिचायक है, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा गया है, और इसी में विश्वास था बाबा साहब का। ये विश्वास इतना चिरस्थायी, इतना मजबूत था कि उनका मानना था कि जब हम तमाम प्रणालियों, संवैधानिक प्रक्रियाओं को मजबूत, सुदृढ़ करने की बात करते हैं, उसमें समावेशी समाज के साथ साथ कैसे जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएँ हैं, वो कितना अहम योगदान निभाती हैं। कहते हैं कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और इसी विचार को अंगीकार करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर, और आज भी हम जो जिस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है तमाम उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए, वो जो दूरदर्शिता थी बाबा साहब अम्बेडकर की, वो यहाँ नज़र आती है। जिस आत्मनिर्भर राष्ट्र को
लगातार जिसका सपना उन्होंने देखा था, आज हम नव संकल्पों के साथ उस विकसित भारत के पथ पर लगातार अग्रसर हैं। और बाबा साहब जिन्हें हम सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में भी जानते हैं, उनका यह हमेशा मानना था कि समाज सबको साथ लेकर चलने वाला जब होता है तो हम आर्थिक परिदृश्य से वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को अंकित परिलक्षित करते हैं। बिल्कुल सही कहा चल आपने। और जिस तरीके से हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चिरस्थायी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कई पहल की हैं, अगर बात की जाए आज उनका 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है उनके पुण्यतिथि पे, तो वहीं उनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इसी संसद भवन के परिसर में भी संविधान दिवस मनाया जाता है, वहाँ पर भी कई कार्यक्रम उस दिन भी आयोजित किए जाते हैं और आज भी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, भारतीय संविधान के प्रारूप देने वाले रचयिता, भारतीय संविधान के जनक। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा से इस बात को परिलक्षित करते गए, कहीं ना कहीं अंकित करते गए कि किस तरह से सभी को साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो अभाव अपने बचपन में देखा, उन अभावों से वो डरे नहीं, उनसे कहीं भी डर कर वो पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े, आगे बढ़कर ऊपर उठे, ऊपर उठकर समाज में वो नाम, वो मुकाम हासिल किया जिससे वो दूसरों के लिए मिसाल बने। और मिसाल बनकर उन्होंने यही उदाहरण दिया, यही कहा कि कैसे परिस्थितियों से कभी भी आप उसके सामने घुटने मत टेकिए, बल्कि उन्हें उनसे अंगीकार कर आगे बढ़िए। हम देख सकते हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संसद परिसर में आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुकी हैं। तो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सभी संसद परिसर के इस मंच पर आते हुए जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर। और आज का दिन बेहद अहम, यहाँ पर तमाम गणमान्य मौजूद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी आप देख सकते हैं, तमाम अन्य सांसद मौजूद हैं, गणमान्य मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद परिसर में जो महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया उसके उपलक्ष में बाबा साहब अंबेडकर को पूरा कृतज्ञ राष्ट्र आज कर रहा है नमन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और यही आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पुष्प अर्पित करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सभी अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सभी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों से भी मिलते हुए साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
तो आप देख सकते हैं तमाम गणमान्यों को, सांसदों को, एनजी विनय कुमार सक्सेना भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। बौद्ध धर्म के अनुयायियों से भी मिलते हुए तमाम गणमान्य और सांसद। तो कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। उनकी ये प्रतिमा संसद परिसर में लगी है और ये लोकतंत्र का वो मंदिर है जिसका सम्मान, जिसकी जिसका पालन करना, लोकतंत्र की जो तमाम मूल्य हैं उनका पालन करना हमेशा से सिखाया था बाबा साहब अंबेडकर ने। जी हाँ, और यही संसद है जहाँ भारतीय संविधान को प्रारूप दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यही वहाँ सेंट्रल हॉल है, यही है जहाँ 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी जब संविधान को लेकर संविधान सभा बैठी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके हिस्सा थे और तमाम जो मेंबर्स थे उन्होंने पूरी तैयारी की जब भारतीय संविधान को पूरा एक रूप देने के लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो शिक्षा के पुरोधा तो थे ही, उनके पास 32 डिग्रियां थीं और साथ ही साथ जब वो भारतीय संविधान का